हेलो, आई एम परवेज फ्रॉम जीपीसी अलवर। आज अपन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मेगर एंड एप्लीकेशन ऑफ मेगर के बारे में पढ़ेंगे। तो मेगर क्या होता है? मेगर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन। द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन इज कंपेयर्ड विथ नॉन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। थर्ड पॉइंट है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन इज हाई देन पॉइंटर ऑफ मूविंग कॉइल ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द इन्फिनिटी। फोर्थ पॉइंट है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन इज लो, यदि इंसुलेशन का रेजिस्टेंस लो हुआ तो पॉइंटर मूविंग कॉइल का पॉइंटर इंडिकेट जीरो रेजिस्टेंस। ये मेगर मीटर की एक्यूरेसी अदर मीटर के कंपेयर में बहुत ही हाई होता है। ठीक है, हम दोबारा अपन देखते हैं। मेगर क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मेजर करता है। जैसे सपोज करो आपको एक वायर है, केबल है, उसके अंदर होता है कंडक्टर, ऊपर होता है इंसुलेशन लेयर जो बाहर की तरफ होती है। इंसुलेटिंग लेयर, उसका रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है। सपोज करो आपका केबल फॉल्ट हो गया तो अपन को फॉल्टिंग मेजर करना है तो वो मेगर मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, क्योंकि कोई भी केबल या वायर होती है उसके ऊपर जो बाहरी सिरा होता है मींस इंसुलेशन, उसका रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है। ठीक है, अब अपना एक मीटर है, कौन सा? PMMC मींस परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल, उसके निडल होती है वो इंडिकेट करती है जीरो टू इन्फिनिटी, इन्फिनिट टू जीरो। ठीक है, फर्स्टली जो मेगर मीटर होता है जो उसकी निडल होती है वो इन्फिनिटी की ओर सेट होती है। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये मेगा ओम मीटर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस मेगा ओम में होता है। ये बहुत सारे एरियों में इसका यूज किया जाता है, जैसे मल्टीमीटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल वायरिंग इत्यादि। दिस इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर ग्रेटर दैन 1000 मेगा ओम से ज़्यादा रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है। अब अपन थोड़ा देखेंगे कि व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ये वायर का ऐसा रेजिस्टेंस होता है या केबल का या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का विच इज यूज टू सेफ गार्ड द इलेक्ट्रिकल सिस्टम लाइक इलेक्ट्रिकल शॉक्स और सडन डिस्चार्ज ऑफ करंट लीकेज इन वायर्स। ठीक है, एप्लीकेशन क्या क्या है मेगर की? द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर कैन आल्सो बी मेजर्ड। सेकेंड इसका एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड कंपोनेंट्स कैन बी टेस्टेड। थर्ड एप्लीकेशन है वाइंडिंग इंस्टॉलेशन। इसका फोर्थ एप्लीकेशन है टेस्टिंग ऑफ बैटरी रिले ग्राउंड कनेक्शन। मेगर के एडवांटेज के क्या हैं? परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। द रेजिस्टेंस बिटवीन द रेंज 0 टू इन्फिनिटी कैन बी मेजर्ड। इसका डिसएडवांटेज है देर विल बी एरर इन रीडिंग वैल्यू व्हेन एक्सटर्नल रिसोर्स हैज लो बैटरी। अगर एक्सटर्नल सोर्स की बैटरी लो जाएगी तो इसकी जो रीडिंग होती है उसमें क्या आएगी? एरर। इसकी एरर भी क्यों आती है? सेंसिटिविटी के कारण। थर्ड इसका डिसएडवांटेज है एरर ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा तो इसमें एरर शो करेगा, इसके मेन डिसएडवांटेज है। अब अपन पढ़ेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ मेगर, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे कि डायग्राम में, यहाँ से देखो, ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है, ये आपके मैग्नेट है और मैग्नेट के ऊपर क्या लगा हुआ है? पोल पीस, करंट कोइल, एंगुलर आयरन रिंग। ये आपके मैग्नेट है,
यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है और जनरेटर का माइनस पॉइंट किसे लगा हुआ है, वी वन से, वोल्टेज कॉइल वी वन से, और प्लस प्लस वाला पॉइंट है वो किससे जुड़ा हुआ है, वी टू से, वी टू वोल्टेज कॉइल से। और यहाँ पे जो मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट मीटर है उसका जो नीडल है वो इन्फिनिटी की ओर सेट है, या वो जीरो ये इन्फिनिटी, तो ये सेट कहाँ पे है, इन्फिनिटी की ओर। ये आपकी दो कोयल है, जो अंदर वाली कोयल है वो है करंट कोयल, ऊपर वाली कोयल क्या है, एंगुलर आयरन रिंग, ठीक है। ये क्या है, पोल पीस, ये आपका मैग्नेट है, और ये आपका क्या है, हैंड ड्राइवन जनरेटर, ठीक है। ये आपके ये सिरा किससे जुड़ा हुआ है, इनसे, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे द मैगर हैज वन करंट कोयल एंड टू वोल्टेज कोयल वी वन एंड वी टू, द वोल्टेज कोयल वी वन इज पास ओवर द मैग्नेट कनेक्टेड टू द जनरेटर, वेन पॉइंटर ऑफ पी एम सी इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्ट टुवर्ड इन्फिनिटी इट मीन्स डेट द वोल्टेज कोयल रिमेन्स इन द वीक मैग्नेट फील्ड एंड द एक्सपीरियंस द वेरी लिटिल टॉर्क, द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कोयल इंक्रीज वेन इट मूव्स इनसाइड द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, द कोयल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम टॉर्क अंडर द पोइल फेज, द पॉइंटर सेट एट द जीरो एंड द रेजिस्टेंस स्केल।